नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर राहुल पाटिल। आज मैं आपको अवतार सिंह संधू, यानी जिन्हें सब कवि पाश के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कुछ चंद बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कवि पाश, जिनका जन्म 9 सितंबर 1950 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 मार्च 1988 को हुई थी, यानी खलिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, अवतार सिंह संधू उन चंद कवियों में से है जिन्होंने अपनी 38 साल की जिंदगी में बहुत कम कविताएं लिखी, लेकिन जिनकी कविताओं ने सिर्फ पंजाब में ही नहीं तो पूरे भारत में एक नई अलख जगाई थी। जो स्थान क्रांतिकारियों में भगत सिंह को है, वही स्थान कवियों में कवि पाश को है। उन्होंने गरीब मजदूर किसान के अधिकारों के लिए अपनी लेखनी चलाई। उनका यह मानना था कि बिना लड़े आपको हमें कुछ नहीं मिल सकता। दोस्तों, द प्रिंट इस जर्नल में 9 सितंबर 2019 को एक आर्टिकल छपा है, उसके आधार पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उनका जो जन्म है वो पंजाब के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में 9 सितंबर 1950 को हुआ था। उनकी जो कविता है वो ज्यादातर क्रांतिकारी कविताएं हैं और वो कविताएं रचने और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। कम उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। जिस दौर में पंजाब में खलिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय साहित्य जगत से निकला एक शख्स इस आंदोलन का विरोध कर रहा था अपनी कविताओं के माध्यम से और उन्होंने जो पत्रिकाएं निकाली थी उन पत्रिकाओं के माध्यम से। कविताओं के माध्यम से पाश लगातार सामाजिक और राजनीतिक विमर्श की चेतना को जनता के बीच ला रहे थे। उनकी कविताओं में विद्रोह और बदलाव का स्वर इतना प्रखर था कि उनके हर एक शब्द सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। इस बात को लेकर उनका खूब विरोध भी हुआ, लेकिन बचपन से वो जिस परिवेश में बड़े हुए, यानी उन्होंने जो देखा वो पाश ने बड़े होते हुए उन्हें अपने शब्दों में रचने का साहस किया। पाश की कविताओं को हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर है चमन लाल, उन्होंने दी प्रिंट से बातचीत की और उन्होंने जो बताया है दी प्रिंट को, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि खलिस्तानी लोगों से धमकियां मिलने के कारण पाश अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो भारत वापस लौट आए थे। खलिस्तानियों को उनके आने की खबर मिल चुकी थी। जिस दिन पाश दोबारा अमेरिका वापस जा रहे थे, उसी दिन उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। वो आगे कहते हैं कि पाश अपने साथी हंसराज के साथ अपने गांव के खेतों में लगे ट्यूबवेल के पास नहा रहे थे, तभी खलिस्तानियों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें पाश और उनके साथी दोनों की मौत हो गई थी। दोस्तों, पाश की हत्या के पीछे जो कारण है वो सिर्फ उनके आलोचनात्मक या विरोधात्मक कविताएं नहीं है, तो उनका मानना यह है, यानी चमनलाल सर का मानना यह है कि जब पाश पंजाब के एक स्कूल में शिक्षक थे, एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एक शिक्षक भी कभी रहा करते थे, तो जब वो शिक्षक थे तो उन्होंने उस समय एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जो खलिस्तान के खिलाफ मुखर थी, यानी खलिस्तान के खिलाफ वो उसमें लिखते थे। पत्रिका थी दीवार नाम था उस पत्रिका का, और जिसमें पाश खलिस्तानियों को एक्सपोज करने का काम करते थे। पाश लगातार पंजाब के लोगों को गुरबानी के उदाहरणों का जिक्र करके बताते थे कि खलिस्तानियों की मांगे गुरु नानक की शिक्षाओं के खिलाफ है। इसके बाद पाश को लगातार धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते उन्हें देश छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन वहां जाकर भी पाश ने खलिस्तानियों पर लिखना बंद नहीं किया। हाथ से लिखी पत्रिकाओं को वो लोगों के बीच पहुंचाते रहे, जिसके कारण खलिस्तानी लोग उनके खून के प्यासे हो गए थे। प्रोफेसर चमनलाल का यह भी कहना है कि भगत सिंह और पाश, इन दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। कौन सी समानताएं हैं? तो दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई, यानी 23 मार्च को, और दोनों सितंबर में ही जन्मे थे। वो कहते हैं कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, उस दिन वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते हुए उन्होंने किताब के एक पन्ने को मोड़ कर रख दिया था।
इस बात का जिक्र करते हुए पाश ने अपने कविता में ऐसा लिखा है कि भगत सिंह ने शहादत से पहले किताब के जिस पन्ने को मोड़ा था, पंजाब के युवाओं को उसके आगे पढ़ने की जरूरत है। अपने आदर्श भगत सिंह की शहादत पर पाश अपनी कविता 23 मार्च में लिखते हैं, शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह निस्तेज न था। ध्यान में रखो, ईश्वर को उन्होंने निस्तेज कहा है। वो अकेला था, जैसे ईश्वर अकेला है वैसे भगत सिंह अकेले थे, ईश्वर की तरह अकेले थे लेकिन ईश्वर की तरह निस्तेज नहीं थे। ठीक है, चमनलाल आगे कहते हैं कि भगत सिंह लेनिन को अपना आदर्श मानते थे और पाश भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। दोनों में एक और समानता खोजते हुए चमनलाल जी लिखते हैं कि दोनों की मृत्यु फासिस्टों द्वारा ही की गई। एक तरफ भगत सिंह को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने मारा तो पाश को खलिस्तानी फासिस्ट ने मार दिया। नक्सलवादी होने के आरोप में उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था। पाश पर नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में मुकदमा चलाया गया और जेल में डाल दिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में अपनी पहली रचना लोक कथा से पाश काफी लोकप्रिय भी हुए थे। उसी दौरान उन पर नक्सलवादी होने के आरोप लगे और जेल में डाल दिया गया। चमनलाल उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त मैं जालंधर में ही मौजूद था। उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया था जिसका बाद में कोई प्रमाण नहीं मिला। जेल में रहते हुए ही उनकी पहली किताब छपी थी। पाश को इसके अलावा 1972 और 1974 में भी गिरफ्तार कर दिया गया था। काश्मीर जाकर उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। लेकिन चमनलाल दीप रिंद को बताते हैं कि काश्मीर में जिस अनुच्छेद 370 को हाल ही में देखो हटाया गया है, उसी के तहत तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कश्मीर में आपातकाल लगने नहीं दिया था। उसी समय जम्मू में एक पंजाबी लेखक सम्मेलन हुआ जिसमें पाश भी मौजूद थे। सभी इस सभा में इंदिरा गांधी के तानाशाही फैसले को पाश ने पुरजोर के विरोध किया और आपातकाल के खिलाफ खूब बोले। गौरतलब है कि आपातकाल का विरोध करने के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पाश अपनी एक कविता है, उनकी एक कविता है, मैं घास हूं, मैं ऐसा लिखते हैं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा, यानी आप कुछ भी करो मैं फिर भी उगाऊंगा। इस कविता के जरिए वह सत्ता और व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी ठसक से कहना चाहते हैं कि एक नागरिक को अगर सत्ता मिटाना चाहेगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी। नई मांगों के साथ जनता फिर से आवाज बुलंद करेगी। पाश की सबसे प्रसिद्ध कविता है सबसे खतरनाक, पढ़ते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि उस रचना में जो शब्द है उन शब्दों में अनुभव संसार काफी व्यापक है। पाश सामाजिक बुराइयों पर मनुष्य की चुप्पी को सबसे खतरनाक बताते हैं। पाश उस चांद को सबसे खतरनाक बताते हैं जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन पर चढ़ जाता है। लोकतंत्र की असल खूबसूरती सहमतियों और असहमतियों के बीच में द्वंद्व में होती है। इन्हीं द्वंद्वों को मजबूत पाश की जन चैतन्य कविताएं बनाती है। सड़क का संघर्ष हो, गरीबों किसानों की इच्छा हो या आंदोलनों को स्वर देने का काम हो, सभी को अपनी कविताओं में रचते हुए पाश दिखाई पड़ते हैं। उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई उनकी एक कविता है, हम लड़ेंगे साथी। इस कविता ने सर्वहारा के संघर्ष की वानगी है जिसमें अन्याय शोषण के खिलाफ और अधिकारों को पाने के लिए जूझते रहने और लड़ते रहने का आह्वान है। कई आंदोलनों में इस कविता को गाया भी गया है। उनकी एक कविता है भारत। इस कविता में उन्होंने राष्ट्र के असल मायने को समझाया है। वे कहते हैं, जब भी कोई राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उनकी टोपी उछाल दूं। उसे बताऊं भारत का अर्थ दुष्यंत से नहीं बल्कि यहाँ के खेतों से है जहां अन्न उगता है। पाश उस सामाजिक और राजनीतिक आजादी के पैरोकार थे जिसके लिए उसके आदर्श भगत सिंह ने अपनी शहादत तक दे दी थी। पंजाब के क्रांतिकारी संघर्ष के बीच उन्होंने राजनीतिक सामाजिक बदलाव और विद्रोह के लिए अपनी आवाज बुलंद की जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर देना पड़ा।
धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता के विरोधी रहे पाश। एक ऐसे समाज की कल्पना वो कर रहे थे जो सर्वहारा के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए भी एक सुकून भरा आशियाना हो। अगर पाश की कविताओं के मर्म और निहितार्थों को समझे तो मौजूदा समय में वे भी देश विरोधी कहलाए जा सकते थे। जिस तरह से पाश की रचनाओं ने आंदोलनों में नारों का रूप लिया, उस तरह उन्हें आज के समय में भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाला करार दिया जा सकता है। प्रगतिशील विचारों वाला यह नायाब शख्स चार दशकों से भी कम का जीवन बिताकर हमारे बीच से चला गया। दोस्तों, उनकी एक जो बहुत प्रसिद्ध कविता है वो कविता मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। वो कविता है सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुठिया भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गिदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। धन्यवाद।